हाय गाइस, सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल के एक और नए एपिसोड में। एंड फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा सबसे, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हूँ। मैंने आपको बताया भी था गाइस, मैं घर से बाहर आया हुआ हूँ और बहुत सारा काम है मेरे को, इसीलिए थोड़ा इररेगुलर हूँ। बट कुछ दो तीन दिन की और बात है, उसके बाद मैं रेगुलर वीडियोज़ जैसे पहले लाता था वैसे ही लाऊंगा। तो प्लीज़ और गाइस, दो तीन दिन एडजस्ट कर लेना और गुस्सा मत हो जाना प्लीज़। सो अभी फिलहाल हम लोग गाइस आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि फाइनली अपडेट आने के बाद मैं TH11 पे आया हूँ। मतलब TH11 में खेल रहा था, बट वीडियो में फर्स्ट टाइम बना रहा हूं। TH12 का जो अपडेट आया, TH12 का अपडेट नहीं बोलूंगा, मतलब लेजेंड लीग का जो फिक्स अपडेट है, क्योंकि उसके बाद से पुशिंग कर रहा हूं। और गाइस, एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, घर वापस जाते ही मैं लेजेंड लीग्स के रेगुलर लाइव स्ट्रीम्स करने वाला हूं। मतलब हफ्ते में 3 स्ट्रीम्स कम से कम मैं करने वाला हूं, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना और सब्सक्राइब कर लो गाइस फटाफट चैनल को, क्योंकि ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं लाने वाला हूं आप लोगों के लिए। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे ब्रॉल स्टार्स के रिगार्डिंग, तो ब्रॉल स्टार्स भी मैं घर जाके ही बनाऊंगा। यहां पे थोड़ा कम खेल रहा हूं, वैसे भी टाइम मेरे को बहुत कम मिल रहा है गाइस, सो प्लीज इन सारी चीजों के लिए मेरे को माफ कर देना। आज की वीडियो में इंटरेस्टिंग ये है, बहुत सारे ढेरों मतलब भर भर के मैजिक आइटम्स हमारे पास पड़े हैं, जो हम इस वीडियो में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ गाइज, अभी तक मैंने अपना गोल्ड पास सीजन जो है वो कंप्लीट नहीं करा है, तो इस को भी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। वैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये यहाँ पे 80 पॉइंट्स मेरे को मिलेंगे जल्द, यहाँ पे 200 पॉइंट्स, ये 200 पॉइंट्स और ये 80 पॉइंट्स मिल गए तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। सो एम ये है कि मैं ये जल्दी कंप्लीट कर लूँ, वैसे आज का दिन तो लग ही जाएगा। और गाइस, क्लैन गेम्स में भी अच्छे खासे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं हमें, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 घंटा बाकी है। एक बुक ऑफ हीरो यहाँ पे भी मिलने वाला है, बुक ऑफ फाइटिंग मिलने वाला है, मैं तो सोच रहा हूँ बुक ऑफ स्पेल के बारे में, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हो गोल्ड मेरा फुल हो चुका है और डार्क लिक्विड भी फुल है, तो जल्द से जल्द हम कुछ अपग्रेड्स कर लेते हैं वीडियो के स्टार्ट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं गाइस, किंग को मैं अपग्रेड करने वाला हूं विथ यूजिंग माय डार्क लिक्विड और उसको फिनिश करेंगे विथ यूजिंग माय बुक, और फिर से बूस्ट पे लगा देते हैं क्योंकि हमें कुछ अटैक्स भी करने हैं। और उसी के साथ गाइस, एक डिफेंस अपग्रेड करूंगा और डिफेंस में मैं आर्चर टार्स का सोच रहा हूं। सो ये वाला आर्चर टार थोड़ा लो है, इस आर्चर टार को थोड़ा अपग्रेड पे लगा देते हैं हम लोग यहां पे, बैम। ओके, सो आर्चर टावर अपग्रेड पे लगाने के बाद भी हमारे पास काफी सारा गोल्ड पड़ा हुआ है गाइस, तो आई होप कि एक और आर्चर टार हम अपग्रेड पे लगा पाएंगे, लेट्स सी। ओके, सो ये भी काफ़ी चीप है, इसको भी मैंने अपग्रेड पे लगा दिया है। बट गाइज, अभी भी 3 बिल्डर्स खाली हैं, तो इनके बारे में कुछ सोचते हैं। अभी एम तो मैंने कुछ रखा नहीं है कि मैं क्या क्या अपग्रेड करना चाहता हूँ, ट्रेजर में भी काफ़ी सारा लूट है, उसको भी कलेक्ट कर लूँगा। 3 बिल्डर्स को तो ऑब्वियसली हमें बिजी करवाना ही करवाना है, तो कुछ देखते कुछ लूट वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे क्लैन गेम्स में कोई कौन सा लूँ, ये वाला क्या करना है, डिस्ट्रॉय 3 एलिक्सिर स्टोरेज, ये तो मैं इजीली कर लूंगा, तो 100 पॉइंट्स मैं इजीली अर्न कर सकता हूं यहां पे। तो चलिए गाइस, मैं बेस सर्च में जाता हूं और डिसेंट जैसे एक अच्छा खासा मेरे को लूट मिलता है मैं वापस आता हूं, टैग करेंगे, क्योंकि ये मैं लेजेंड लीग का टैग तो कर नहीं रहा हूं, इसमें मैं स्किप कर सकता हूं टैग्स। सो फटाफट मैं वापस आता हूं गाइस, आज एम बहुत सारा है, मैजिक आइटम्स जो है उनको भी इन्वेस्ट करना है, सो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, मजा जरूर आएगा। तो चलिए, जैसे एक अच्छा खासा हेल्दी बेस मिलता है जहां पे लूट काफी क्वांटिटी में हो, आई थिंक ये वाला जो बेस है इसमें भी लूट काफ़ी है, यस काफ़ी है, तो इस बेस पे हम अटैक कर सकते हैं, फाइन अच्छा बात है, क्योंकि ओके सो लेट्स सी यहाँ पे एक बलून के साथ 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन, ये स्ट्रेटजी मैं टाउन हॉल 12 में भी यूज़ कर रहा हूँ, टाउन हॉल 11 में भी ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है गाइज। सो आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली एक बार ट्राई दें स्ट्रेटजी को। यहाँ पे क्वीन वॉक शुरू करने वाला हूँ, यहाँ से ये गए मेरे हीलर्स एंड आई थिंक एक विच इस कॉर्नर पे विथ 2-3 बोलर्स, और उसी के साथ यहाँ पे किंग एंड वॉर्ड रेकर, फाइन। सो गाइज, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, जैसी मेरी स्ट्रेटजी मतलब ऐसे अकॉर्डिंग टू मैं बेस फॉलो करता हूँ वैसे, बट यहाँ पे मेरे को अच्छी वैल्यू मिल रही है, तो चलिए यहाँ पे अपना वार्डन भी ड्रॉप किया जाए। एंड उसी के साथ आई थिंक फर्स्ट रेज यहाँ पे फ्रीज करता हूँ इस सिंगल इन्फर्नो को, क्योंकि ये सिंगल इन्फर्नो काफ़ी दिक्कत दे रहा है मेरे को। ओ माई गॉड, 2 पॉइजन क्या कर रहा है यहाँ पे, ओके सो गलती से 2 पॉइजन आ चुका है मेरा, बट चलो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं, उसको काउंटर कर लेंगे। यहाँ पे मैं अपना ग्रैंड वार्डन का एबिलिटी पॉपअप कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आई थिंक ये बोलर्स ठीक है, बोलर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। ओ माई गॉड गाइज, यहाँ पे सिंगल इन्फर्नो जो है वो काफ़ी दिक्कत दे रहा है, तो मेरे को कहाँ पे जंप यूज़ करना चाहिए, एक अच्छा पॉइंट मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं जंप यूज़ करूँगा, कहाँ, ओके नो, क्वीन को पकड़ लिया है सिंगल इन्फर्नो ने, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन गाइज। यहाँ पे एक ड्रॉप कर रहा हूँ मैं जंप, उसी के साथ एक हील, आई थिंक सब कुछ सही चले, ओके सो रेज आई थिंक मैंने सब कुछ ड्रॉप कर दिया, लिटरली अब कोई स्पेल मेरे पास बचा नहीं है। और पता नहीं यार, ये हीलर्स बहुत एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया
जब से ये अपडेट आया है हीलर्स में कोई प्रॉब्लम तो हुआ है, कभी मतलब भटक जाते हैं, पहले वो एक बार एक जगह आ जाते थे तो फिर बंच में रहते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है, अब वो इधर उधर भटकते रहते हैं जो कि काफ़ी दिक्कत देता है मेरे को, बट अब क्या कर सकते हैं यार, इसको मानना पड़ेगा, अब इसको क्या कर सकता है, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। वरना मैं बहुत ट्राई किया, हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन भी ट्राई करे, बट हीलर्स का ये जो प्रॉब्लम है ये आई डोंट थिंक ये शॉर्ट आउट होने वाला है। आप लोग एक बार बताना जो भी क्वीन वॉक कर रहे हैं, क्या आपको दिक्कत आ रही है, मतलब पहले टाइम पे क्वीन के ऊपर लॉक्ड रहते थे हीलर्स, या फिर अगर आप बोविच कर रहे हो तो क्वीन जो आपकी हीलर्स थे वो बोविच के ऊपर आ जाते थे, बट अब ये अपडेट के बाद बहुत दिक्कत हो रही है हीलर्स के साथ, कभी इधर उधर चले जा रहे हैं। सो आप लोग ये भी बताना, एक तो उनका टाइल्स जो है वो कम कर दिया गया है, पहले जो उनका टाइल्स था उस हिसाब से आई थिंक 0.5 या 0.4 टाइल्स कम कर दिया गया है, जो कि थोड़ी दिक्कत वाली बात तो है, बट ये 3 स्टार्स हमने यहाँ पे निकाल दिए गाइज, बट ये मेरे को अच्छा नहीं लगा यार ये हीलर का अपडेट, क्योंकि हीलर तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, ऐसे कोई ज़्यादा ओवर पावर्ड भी नहीं था, बट पता नहीं क्या सोच के किया हुआ है, और इनकेस हो सकता है इन फ्यूचर उसे फिर से ठीक कर दिया जाए, तो उसके बारे में क्या पता किसे। और ओके, यहाँ पे हमने क्लैन गेम्स का ये जो रिवॉर्ड है ये भी, सॉरी रिवॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, चैलेंज है वो भी कंप्लीट कर लिया है, और ये डार्क एलिक्सिर कितना निकालना है हमें, 5000 डार्क एलिक्सिर ये वाला ले लेता हूँ, नेक्स्ट अटैक में शायद कंप्लीट हो जाएगा इस। सो अभी फिलहाल गोल्ड तो और चाहिए मेरे को, यस ट्रेजरी में भी बहुत सारा लूट पड़ा हुआ है, और आई थिंक मेरा लैब जो है वो खाली, यस लैब भी मेरा खाली हो चुका है, विच इज़ ऑसम। सो लैब में मैं डालने वाला हूँ हेस्ट स्पेल, बट हेस्ट स्पेल के लिए मेरे को काफ़ी सारा और डार्क चाहिए होगा, बट अगर हेस्ट नहीं हो पाता है तो मैं स्केलेटन या फिर अर्थक्वेक स्पेल भी डाल सकता हूँ, मिनियंस भी बहुत लगेगा, तो चलिए देखते हैं, एक और अटैक करेंगे, ऑफ कोर्स एक और अटैक करेंगे, या फिर ज़रूरत पड़े तो 2 अटैक्स भी कर सकते हैं, तो लेट्स सी कैसा होता है ये। ओके कम से कम मैं यहाँ पे, ओके फाइन, तो यहाँ पे लास्ट टाइम 2 पॉइजन आ चुका था, जो कि थोड़ा यस मेरे को पता है 2 पॉइजन आया था तो बहुत अनॉइंग होता है, और ये जो क्यू का सिस्टम ये कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बट चलो कोई बात नहीं गाइस, हम फटाफट चलते हैं नेक्स्ट अटैक में और देखते हैं कितना लूट निकाल पाते हैं। वैसे अभी मेरा किंग को रीजनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे एक अच्छा खासा हेल्दी बेस मिलता है मैं वापस आता हूं, अटैक करेंगे, लूट निकालेंगे वहां पे भी अच्छा सा। और गाइस मैं एक बार बता दूं आपको क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे हम लोग यहां पे, आप देख सकते हो 2 रून पड़े हैं मेरे पास, रून्स को इन्वेस्ट करना है, 2 बुक्स पड़े हैं, इन बुक्स को भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा, और अभी बताऊं तो मैं यहां पे बहुत सारी चीजें और मिलना बाकी है मेरे को, थोड़ा 2 बुक ऑफ हीरो और मिलने बाकी हैं, और यहां पे 1 बुक ऑफ हीरो क्लैन गेम से भी, मतलब 3 बुक ऑफ हीरोज को मेरे को यूज करना है यार, ये तो बहुत चैलेंजिंग वाली बात हो जाएगी, बट करना तो है भाई, करना जो है वो तो करना ही है, तो मैं कोशिश अपनी तो पूरी कर दूंगा यहाँ पे। आई थिंक अगर मेरा 3 बुक मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा किंग जो है वो 50 हो जाएगा, या फिर मैं अपने वार्डन को भी पुश कर सकता हूँ, तो डिपेंड करता है जितना रिसोर्स होगा उस हिसाब से पुश करूंगा, तो लेट्स सी मैं नेक्स्ट अटैक में कितना लूट निकाल पाता हूँ। ओके सो गाइज वी आर बैक और आर्मी पूरी रेडी है, लेट्स सी अब फिर से सर्च करते हैं बेस कैसा मिलता है, लेट्स सी। लास्ट टाइम तो डिसेंट सा लूट मिला था, वैसे इस बार भी उम्मीद वैसे ही है कि एक बड़ा सा लूट मिले। TH12 का प्रॉब्लम है यार, TH12 मत मिल, TH11 चाहिए मेरे को, वो भी डिसेंट लूट। ओके सो गाइज ये TH12 भी मिला है, बट आई थिंक ये इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बेस नहीं है, और लूट भी एवरेज अच्छा है, अच्छा मतलब 4000 के आसपास का एवरेज है, और गोल्ड और डार्क लिग्स भी ठीक ठाक है। लेट्स ट्राई दिस बेस गाइज, मेरे को लग रहा है कि एक बार ट्राई देना चाहिए इस बेस में। सो यहाँ पे कपल ऑफ इलेक्ट्रो ड्रैगन से शुरू करेंगे, एंड क्वीन वॉक भी यहीं से शुरू करूंगा मैं, लेफ्ट साइड को जाऊंगा क्वीन वॉक से, एंड यहाँ से एंट्री लेंगे हम बेस में। ओके सो एक इन्फर्नो टार जो है इसका अपग्रेड पे है, विच इज़ गुड फॉर मी, क्योंकि थोड़ा इवन अप हो जाता है, जो TH12 का एडवांटेज है इसके पास वो थोड़ा सा मेकओवर हो जाएगा वहाँ पे, इस एयर डिफेंस को फ्रीज करते हैं, एंड कम ऑन इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, कम ऑन एक अच्छा सा चेन डैमेज दो, यस। सो इलेक्ट्रो ड्रैगन ने अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करवाया मेरे को, बहुत सही वैल्यू निकाला इलेक्ट्रो ड्रैगन ने। अब यहाँ पे ड्रॉप करेंगे किंग को और यहाँ पे एंट्री लेंगे, लेट्स सी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आई थिंक ये ईगल आर्टिलरी एक बार ही निकल जाए तो फिर बहुत अच्छे चांसेस है इस बेस में अच्छा अटैक करने का, लेट्स सी। सारे ओके फाइन सारे चीज़ें अंदर जानी चाहिए, डिसेंटली अंदर जा रही हैं, विच इज़ गुड। ओके कम ऑन ओके किंग की एबिलिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं और फ्रीज करते हैं, यहाँ क्वीन बाहर चली गई है विच इज़ हॉरिबल, बट क्या कर सकते हैं अब गाइज, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जंप ड्रॉप कर, अरे यार ये समझ में नहीं आता ये लोग करना क्या चाहते हैं। ओके सो यहाँ पे ड्रॉप करते हैं एक हील, एंड आई थिंक कि रेज भी यहीं पे ड्रॉप करना अच्छा रहेगा। ओके सो लेट्स सी गाइज कि क्या कर पाते हैं, अब सब कुछ यूज़ तो मैंने कर लिया है, अब कुछ बचा नहीं है मेरे पास, एंड इलेक्ट्रो ड्रैगन बोल रहा हूँ, ग्रैंड वार्डन का एबिलिटी यहाँ पे यूज़। इलेक्ट्रो ड्रैगन्स ने काफ़ी अच्छी वैल्यू मेरे को निकाल के दी, बहुत सही वैल्यू निकाल के दी मेरे को, तो वहाँ पे एक अच्छा बहुत अच्छा एडवांटेज मेरे को मिल गया है। और अब पता नहीं अब 3 स्टार या नहीं होगा ये नहीं पता मेरे को, बट फिर भी अटैक हमने काफ़ी डिसेंट किया। TH12 था ऑब्वियसली, यस 3 स्टार TH12 नहीं था, बट फिर भी अच्छा खासा TH12 था।
और अभी सिर्फ क्वीन की एबिलिटी पड़ी है और ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो लेट्स सी कि क्वीन की एबिलिटी हम कब प्रॉप अप करें। अभी तक ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है मेरे को, बोलर्स भी अभी हैं बचे हुए हैं और जैसे कि आप देख सकते हो ये हीलर पता नहीं कभी क्वीन को हील करता है, कभी आइस गोलम को हील करता है, कभी बॉलर्स को हील करता है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करना क्या चाह रहा है। टाइम की कोई कमी नहीं है, टाइम बहुत सारा है, बट लेट्स सी यार क्या होता है। बॉलर्स, ओ माई गॉड बॉलर्स, यहाँ पे एक जाइंट बम था। क्वीन कम ऑन यार, ओके आई डोंट थिंक ये थ्री स्टार हो पाएगा यार। टाइम, यस टाइम एक ऑब्वियस सा रीज़न है और ये हीलर भी पता नहीं क्या करना चाह रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके कम ऑन कम ऑन कम ऑन क्वीन, क्वीन की एबिलिटी पॉपअप कर लेता हूँ, ये अच्छा समय है क्वीन की एबिलिटी पॉपअप करने का। थोड़ा गोल्ड बचाए इस, अरे बेचारा इस गोलम, ओ भाई भाई ओके ओ ओ भाई ओ ओ भाई 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 ओके। सो क्वीन देखते हैं कितना परसेंटेज निकाल सकती है, वैसे परसेंटेज का तो कोई मामला इशू है नहीं मेरे को, बट थ्री स्टार ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा क्योंकि 20 सेकंड्स है, 20 सेकंड्स में ये आई थिंक ये और 30 सेकंड्स चाहिए था, मतलब टोटल 30 सेकंड्स चाहिए था। अगर 30 सेकंड्स होता तो मे बी हो जाता, बट 20 सेकंड्स में नहीं हो पाएगा, 10 सेकंड्स मो और आई थिंक 95% नहीं 95 नहीं 97 या फिर 96% में ये अटैक कंप्लीट होगा। 97% यस 97 इज द फाइनल परसेंटेज, आई थिंक 98% तक चला गया। चलो कोई बात नहीं गाइज, थोड़ा गोल्ड रह गया यहाँ पे, बट अटैक ठीक ठाक लगा मेरे को और अच्छा बोनस भी निकाला हमने। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आई डोंट थिंक हमें और अटैक करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टोरेज में पड़ा हुआ है इसको अगर मैं निकाल लूँ तो काफ़ी अच्छा अमाउंट, और मेरे पास डार्क लिग्स भी काफ़ी आ चुका है और कम ऑन लेट्स सी। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं करने वाला हूँ गाइज वो है ग्रैंड वार्डन को अपग्रेड करने वाला हूँ, तो लेट्स सी ग्रैंड वार्डन को अपग्रेड करते हैं यहाँ पे। और आई थिंक कि मैं उसे बुक से फिनिश करूँ या फिर रख दूँ, मेरे को बुक वैसे मिलने ही वाला है, 4 घंटे में बुक मिलने वाला है, तो एक बार ही जब मेरे को बुक ऑफ हीरो मिल जाएगा तब मैं ग्रैंड वार्डन को बुक कर दूंगा, अभी करने की जरूरत नहीं आई थिंक। और यहाँ पे एक काम करते हैं, ये रहा लैब, लैब में हम करेंगे एक काम, लैब में हम करेंगे ओके, अभी तो करने लायक और कुछ है नहीं, तो मैं काम करता हूँ अर्थक्वेक स्पेल को ही अभी अपग्रेड पे लगा देता हूँ ताकि मेरा डार्क एलिक्सिर जो है वो एटलीस्ट इन्वेस्ट हो जाए यहाँ पे। और अब हम लोग क्या करने वाले गाइज, अब हम लोग करने वाले हैं ये कि हम मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे जाके एज ए रिवॉर्ड मैं अपना डार्क एलिक्सिर रून जो है वो कलेक्ट कर लूँगा। डार्क एलिक्सिर रून आई थिंक मेरे को मिला था, यस ओके ओ एक ऑलरेडी है, ओ माय गॉड इतने सारे रून्स पड़े हैं मेरे पास, मेरे को पता नहीं था। चलो ये डार्क एलिक्सिर रून जो है इसे कैश करते हैं एंड इसे कैश करने के बाद किंग को एक लेवल और अप करते हैं, फाइन। और इसी के साथ बुक ऑफ एवरीथिंग डाल के मैंने किंग को फिनिश किया, किंग 48 हो चुका है, मतलब दो बुक ऑफ हीरो जैसे मेरे को यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये दो बुक ऑफ हीरो से किंग मेरा मैक्स हो जाएगा। एक रून भी पड़ा है और जब तक ये बुक्स मिलेंगे मैं तब तक किंग के लिए कितना चाहिए 1,55,000 ये डार्क लिग से भी गेन कर लूंगा। और गेन करने के बाद हमारा जो सीन है, ये क्या है, ओ भाई ये क्या है, यहाँ पे दिखा रहा है बट यहाँ पे ओके इतना कम है कि पता ही नहीं चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब बारी आती है एक डिफेंस अपग्रेड करने की, तो चलिए एक डिफेंस अपग्रेड करते हैं। और डिफेंस में बम टार नहीं अपग्रेड करूंगा, अभी आर्चर टार्स के ऊपर ही काम करना है, अभी आर्चर टार्स के ऊपर ही काम करना है। तो ये आर्चर टार एक अपग्रेड मैंने और लगा दिया और एक अभी बिल्डर फ्री है, तो ये एक बिल्डर से मैं क्या करूँ, ओके दो दिन कम ऑन क्या करूँ कैनन, ये कौन सा कैनन है इतना लो है, ओके तो ये कैनन को अपग्रेड पर डाल दिया मैंने। और सारी गाइस सारे बिल्डर्स को मैंने बिजी करवा दिया विच इज़ ऑसम, तो आई थिंक कि ये दो अटैक्स ही काफ़ी रहे इस वीडियो के लिए और वीडियो भी काफ़ी आपको मज़ेदार लगी होगी। और मैजिक आइटम्स की कोई कमी नहीं है, और मैजिक आइटम्स हैं हमारे पास और मिलने वाले हैं, कुछ बुक्स मिलने वाले हैं और क्लैन गेम्स के रिवॉर्ड्स हैं वो भी मिलने वाले हैं, तो इनको इन्वेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ फार्मिंग करता रहूँगा मैं क्योंकि अभी मैं बूस्ट में भी हूँ, बहुत अच्छा टाइम है फार्म करने का, तो मैं फार्म करता रहूँगा। तो आप लोगों से मिलूंगा कल के वीडियो में गाइज, तब तक के लिए अच्छे रहें एंड एज ऑलवेज गाइज जय हिंद, कल मिलते हैं।